Assalamualaikum viewers, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल चाउमीन, जिसको वेजिटेबल हक्का नूडल्स भी कहा जाता है। खाने में बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वेजिटेबल चाउमीन यानी हक्का नूडल्स बनाने के लिए हमने लिए हैं नूडल्स केक, नूडल्स मसाला, 1 टेबलस्पून सफेद जीरा, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 अदद बॉयल आलू जिसको हमने क्यूब्स कर लिया है, 1 अदद कटी हुई प्याज, बंद गोभी जो हमने क्रश कर ली है, गाजर इसको भी हमने बारीक कट कर लिया है, 1 अदद टमाटर, मटर के दाने जो हमने बॉयल कर लिए हैं, शिमला मिर्च और बॉयल की हुई चने की दाल। हमने पानी बॉयल होने रख दिया था, पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें नूडल्स केक शामिल करेंगे। केक शामिल करने के बाद हम इसको ढककर 3 मिनट तक पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। ये देखें, इस तरह से नूडल्स होना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब आप इसको और ज़्यादा फ्राई करेंगे, जब आप इसको बनाएंगे मतलब अपने चाउमीन तैयार करेंगे, तो ये घुलना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। नूडल्स जो है वो बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसको छन्ने में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मेन प्रोसेस की तरफ। चाउमीन बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है। प्याज को 1 मिनट तक हमें फ्राई करना है, हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए गाजर। शिमला मिर्च, इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आपको पकाना है। बंद गोभी, बंद गोभी से जो है वो चाउमीन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मजेदार हो जाता है। इसको भी हल्की आंच पर कुछ सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, एक टमाटर है जिसको हमने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। बॉयल किए हुए आलू, मटर, चने की दाल, ये 3 चीजें आपको पहले से बॉयल करके रखनी है, जिसमें है आलू, मटर और चने की दाल। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाला, जिसमें है नूडल्स मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और सफेद जीरा। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तीन से चार मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ये देखें इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नूडल्स। नूडल्स को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, वेजिटेबल चाउमीन यानी हक्का नूडल्स तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।